बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना डेब्यू सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ किया था। अपनी पहली फिल्म से ही उन्होंने काफी फैंस का दिल जीता। वेल, समय के साथ एक्ट्रेस ने कई फिल्म से तारीफें बटोरी और अपने आप को प्रूव किया। वेल, लेकिन दीपिका के इस पूरी जर्नी में वो कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज का भी शिकार बनी। हालांकि कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि क्या दीपिका जानबूझकर अपने हर एक मूवी के पहले किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाती हैं। वेल, आइए डालते हैं दीपिका से रिलेटेड कुछ फेमस कॉन्ट्रोवर्सीज पर एक नजर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली सेलिब्रिटी हैं। वो हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती ही रहती हैं। वेल, एक्ट्रेस ने अपने एक पोस्ट में पुराने समय में महिलाओं के पहनावे को सम्मानजनक बताते हुए इसे आज की अचीवर महिलाओं के पहनावे से कंपेयर किया था, जिसके बाद कुछ लोग कंगना के इस ट्वीट को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के कॉन्ट्रोवर्शियल जीन्स के एड पर निशाना मान रहे थे, जबकि कंगना ने अपनी पोस्ट में किसी के नाम का जिक्र नहीं किया था। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा था, प्राचीन महिलाओं की प्रशंसा में ये ट्वीट है जिन्होंने न सिर्फ अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया बल्कि अपनी पूरी सभ्यता, संस्कृतियों और राष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व किया है। आज के समय में ऐसे अचीवर्स की तस्वीरें क्लिक की जाती है तो वो फटी हुई अमेरिकी जीन्स और पोछे जैसे ब्लाउज में नजर आती हैं, जो अमेरिकी मार्केटिंग के अलावा किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। बॉलीवुड दीवा दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गहराइया के प्रमोशन में काफी बिजी चल रही हैं। वो आए दिन बेहद ही स्टाइलिश लुक में अपनी फिल्म को प्रमोट कर रही हैं। ऐसे में दीपिका को फिल्म का प्रमोशन करते देख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फ्रेडी बर्डी ने उन्हें लेकर एक पोस्ट किया, जिसका दीपिका ने शानदार जवाब दिया। फ्रेडी ने अपनी एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, बॉलीवुड का न्यूटन का नियम, जैसे जैसे गहराइया की रिलीज डेट पास आती जाएगी कपड़े छोटे होते जाएंगे। अब जाहिर है कि ये कमेंट गहराइया एक्ट्रेस के लिए था, तो दीपिका कैसे चुप रहती। दीपिका ने भी जवाब देते हुए लिखा, वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से बना है, पर वो मूर्खों के बारे में बताना भूल गए। दीपिका की हाजिर जवाबी से हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। JNU के छात्रों पर हुए हमले के बाद दीपिका दिल्ली पहुंची थी। वेल, वो वहां JNU गई और वहां बिना एक शब्द कहे छात्रों का समर्थन किया। ये उस वक्त की बात है जब CAA विरोध प्रदर्शन चरम सीमा पर थी, जहां कई लोगों ने उनके समर्थन के लिए उन्हें सराहाया, वहीं कुछ लोगों ने इसे दीपिका का पब्लिसिटी स्टंट बताया। एक फेमस अंग्रेजी अखबार ने दीपिका पादुकोण के बारे में एक वीडियो का लिंक ट्विटर पर शेयर किया था, जिसमें लिखा गया था, ओ माय गॉड, दीपिका पादुकोण का क्लीवेज शो। वेल, जिसके बाद ये खबर हर जगह वायरल हो गई थी। वेल, बता दे कि तब दीपिका ने इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया था और फिर इसका जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा था, हाँ मैं महिला हूँ, मेरी ब्रेस्ट है, मेरी क्लीवेज है, आपको प्रॉब्लम? इतना ही नहीं, एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा था, आप महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते तो महिलाएं सशक्तिकरण की बात मत कीजिए। बता दे कि तब दीपिका अपनी नई फिल्म फाइंडिंग फैनी का प्रचार कर रही थी। फिल्म पद्मावत की शूटिंग से लेकर इसकी रिलीज तक देश भर में जगह जगह इस फिल्म के अगेंस्ट ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए कि पुलिस को फिल्म के रिलीज के दिन खास सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ा था। बता दे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक तब करणी सेना का कहना था कि संजय लीला बंसाली ने इस फिल्म की कहानी में तथ्यों को गलत रूप से दिखाया है। इतना ही नहीं, दीपिका को राजपूत रानी होने पर घूमर सॉन्ग में नाचते हुए दिखाना और लहंगे में से उनकी कमर तक दिखने पर लोग भड़क गए थे। मामला इतना बढ़ गया कि ना सिर्फ डायरेक्टर और लीड स्टार्स के खिलाफ केस दर्ज किए गए बल्कि दीपिका को तो सिर काटने तक की धमकी दे दी गई थी। वेल, कुछ इस तरह दीपिका ऑलमोस्ट अपने हर एक फिल्म से पहले और रिलीज के वक्त कॉन्ट्रोवर्सी में फंस चुकी हैं। फिलहाल इस न्यूज पर आप हमें बताएं अपनी राय एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।